सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल चौरासी का स्वर्ण जयंती समारोह रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हो गया है। नुमाइश मैदान में आयोजित समारोह का विधायक चंद्रनाम दास, जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव व पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यालय के प्रधानाचार्य रणजीत सिंह भंडारी ने विद्यालय की वार्षिक आख्या प्रस्तुत करते हुए आगंतुकों का स्वागत किया। वर्ष भर बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया है। स्कूली बच्चों ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेने के लिए वो विगत एक माह से कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। मेरा नाम कविता चन्याल है और मैं यहाँ हाई स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती हूँ। मैं यहाँ की छात्रा भी रह चुकी हूँ, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज स्वर्ण जयंती की तैयारी है और स्वर्ण जयंती हो रहा है आज, और कम से कम इसका 6 महीने से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, 3 महीने से तो प्रॉपरली इसकी तैयारी हो रही है और यहाँ के सभी लोग बहुत खुश हैं। मैं पुरातन छात्र होने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दे रही हूँ, जितने भी कार्यक्रम है उसमें अपनी सहभागिता दे रही हूँ। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और तहे दिल से अपने स्कूल का और अपने माता पिता का मैं हार्दिक अभिनंदन या शुक्रिया करना चाहती हूँ। पहले तो मेरा सभी जो दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं उनको नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। यह आज हमारा स्वर्ण जयंती समारोह का कार्यक्रम है। हमारे विद्यालय को 50 वर्ष हो गए हैं। सन 1968 में यह विद्यालय प्रारंभ हुआ था और उस समय राधा कृष्ण मंदिर ये बागेश्वर में है, वहाँ ये चलता था निःशुल्क। धीरे धीरे प्रगति करते हुए आज 84 यही बागेश्वर बेणी माधव वार्ड के अंतर्गत यह विद्यालय चलता है। विद्यालय के अपने 2 भवन हैं जिसमें कक्षा अरुण शिशु से लेकर के और कक्षा 10 तक लगभग 550 भैया बहन पढ़ रहे हैं। 19 आचार्य लोग हैं। विद्या भारती द्वारा यह विद्यालय संचालित है और उत्तराखंड में जो शिशु शिक्षा समिति है उसके निर्देशन में यह काम करता है। और 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमने प्रबंध समिति के साथ यह निश्चित किया कि इसकी स्वर्ण जयंती के नाते से कार्यक्रम किया जाए, पूर्व प्रधानाचार्य आचार्य को बुलाया जाए और जनता के बीच में यह संदेश फैलाया जाए, पहुंचाया जाए कि भाई 50 वर्ष होने पर अपना विद्यालय आज भी प्रगति पथ पर है। पिछले 1 महीने से जब हमें यह पता चला कि हमारे स्कूल की गोल्डन जुबली बस होने वाली है, तब से हमें इसका बहुत इंतजार था। हम सारे पूरे तन मन धन से प्रैक्टिस में लग गए थे कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी गोल्डन जुबली बेस्ट हो पाए, और ये हमारा बहुत बड़ा लक है कि हम अपने स्कूल की सबसे सीनियर क्लास है और हमारे प्रेजेंट में ये गोल्डन जुबली हो रही है। इस बात का हमें बहुत गर्व है और इसमें इस गोल्डन जुबली सेरेमनी में हमें होस्टिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली है और हम अपनी तरफ से अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं कि हमारा यह प्रोग्राम हमारी वजह से बेस्ट बन पाए। मेरा नाम वैशाली पाठक। हम पिछले 1 महीने से हमारे इस विद्यालय की स्वर्ण जयंती की तैयारी कर रहे हैं और हम इसके लिए बहुत उत्साहित थे, बहुत बेसब्री से हम इसका तैयारी इंतजारी कर रहे थे कि हमारे स्कूल की गोल्डन जुबली यानी स्वर्ण जयंती की तैयारी कब हो। लेकिन आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, आज हमारे विद्यालय की 50 वर्ष पूर्व होने की जयंती पर हम यह कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम इस नुमाइश मैदान पर कर रहे हैं और मुझे बहुत गर्व हो रहा है और मेरे लिए भी यह सौभाग्य की बात है कि मुझे इस स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अवसर पर संचालन यानी एंकरिंग करने का मौका मिल रहा है। विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर बागेश्वर जो आज हाई स्कूल के रूप में अपना स्वर्ण जयंती कार्यक्रम आज यहाँ पर नुमाइश खेल के ऐतिहासिक मैदान में मना रहा है, मैं इस शुभ अवसर पर विद्यालय परिवार को, बच्चों को, अभिभावकों को और बागेश्वर के सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 1977 से पहले जिस तरीके से अभाव में
विपरीत परिस्थितियों में हमारे आचार्यों ने शिशु मंदिरों की स्थापना की और संस्कारवान शिक्षा देने के लिए जो विद्यालय खोले गए, आज इस विद्यालय को बागेश्वर में 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। स्वर्ण जयंती का आज यहाँ कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पहले विद्यालय में भवन नहीं था, आज बड़ा भवन हो गया है। मैंने इसको हाईस्कूल बनाने का काम किया और इस बार इसको इंटर की मान्यता का प्रस्ताव शासन में लंबित है। मैं विद्यालय परिवार को, यहाँ के विभागों को विश्वास दिलाता हूँ कि इसी वित्तीय वर्ष में सरस्वती शिशु मंदिर हाईस्कूल को मैं इंटर की मान्यता भी दिलाऊंगा, ऐसा मैं सबको आश्वस्त करता हूँ। इस क्षणों में आज हमारे देश की महान विभूति अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न के रूप में, पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में, उनका आज 95 जन्म दिवस भी है। मैं पूरे देशवासियों को, अपने क्षेत्र के वासियों को इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि विद्या भारती में रहते हुए अटल जी ने भी शिशु मंदिरों की स्थापना के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया था। आज उनका चिंतन था कि गांव-गांव में बच्चों को संस्कारवान शिक्षा, गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जाए और श्रेष्ठ भारत के रूप में भारत का निर्माण हो, ऐसी परिकल्पना के साथ आज हम बागेश्वर में स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।